त्रिवंदो सतगुरु जय गो करु सुप्रीम करुणा अशोभरण मंगल करण श्री चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री विराज सुना तेज कुंवर श्याम जुगल को पल पल करो करना पल पल करो करना कर निवास मम हृदय जागृत ज्ञान स्वरूप श्री सुंदर श्रीरावती सहित शकुंडल सुंदर साथ शिरोमणि मो पर हो सतवर वर्णन करत हूँ सिमर लाड लीला करूँ कोटि कोटि शुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए रुक में लड़ दिया अजुरू क्यों ना हो टूक टूक अजुरू क्यों ना हो टूक टूक श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदाई जय श्री महाराज रामकृष्णदास साहेब आपकी सदाई जय परम पूज्य देवी जी की जय हमें राज राज कहना है जब तक रहना है हमें राज राज रहना है जब तक रहना है
फिर ये इनाम पड़ा रहेगा। दिखा दो, कोई भी क्वेश्चन पूछू आपको तो आता ही है, क्योंकि कितने कितने साल हो गए अभी तक सुनते हुए, है ना, आते हैं ना सबको। तो मैंने देखा कुछ लोग तो ना यहाँ से सीट छोड़ के दूर बैठने लग गए बाहर, अरे जब से क्वेश्चन पूछने लगे ना अच्छे अच्छे ग्रांड बात सीखते, यहाँ बैठते थे बाहर बैठने लगे। अच्छा, हाथ खड़ा करो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बिल्कुल नन्ना सा प्यारा सा, आपको विश्वास नहीं अभी तक आती है, है ना, कितने महाराज सुना गए अभी तक आपको, है ना, अब तक कितने विद्वान कितने महाराज यहाँ आके आपको अभी तक सुना गए, तो अभी तक तो याद ही है। मैं छोटी सी हूँ, अर्शिया को अभी तक याद है, वो कहती हूँ मुझसे सुन लो, सब देखो। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, हाथ खड़े करना, अगर कोई बीच में बोला तो जो इन पे पैसे लगे ना वो आपसे ले लेंगे, ठीक है। ए, जमुना भाई जी के पति जी का नाम क्या था, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है, जो रात को मानसरोवर में थे वो तो नहीं हाथ खड़े करेंगे क्योंकि मैंने वहां पूछा था, और जो मानसरोवर के बिना, हाँ जी कुसुम भाभी जी है क्या, जोर से बोलो, राम राय, राम राय नहीं, आपको पता, हाँ आइए बोलो, श्री नारायण नारायण, अब तो इन्होंने बताया होगा मानसरोवर वालों को, यही चीज करवाने के लिए बैठे मानसरोवर वाले, तो इतनी बताया ना इन्होंने, नहीं इन्होंने बताया ना मुझे पता है, लेकिन पहले बोला था मानसरोवर वालों को मैं रात को बता के आई थी, आपने क्वेश्चन ही लीक कर दिया पूरा, ही सारा पेपर ही वो हो गया। चलो तृप्ति जी, अब आप बोल रहे हो खड़े होके तो ले लो, आओ अब किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, प्यारे हिम्मत करिए, तृप्ति जी खड़ी हुई है बोलने के लिए, ये भी हो सकता था अभी गलत भी हो सकता ना, वो बता रही है वो, पर हिम्मत करी। अच्छा, चार वसीयत नामे उधर के आए थे, हाथ खड़े करके बताएं कब उतरे थे चार वसीयत नामे, किसको पता है, मैंने तो नहीं सुनाया अभी, मैं तो अब सुनाऊंगी, और आपने अब तक जो अभी तक सुनी हुई है मैं उससे देखना चाहती हूँ कि आप किसको पता है कि चार वसीयत नामे कब उतर के आए थे, हाथ खड़े करो। हाँ जी बबली जी, आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया, विनीता बाबू जी, नहीं मैंने नहीं बताया, पर ये सिलेबस तो नहीं, मैंने कहा ना मैंने तो नहीं बताया, नहीं मोहम्मद सर मेराज की रात्रि में नहीं। अच्छा, बारह मोमिनों के जल्दी से नाम बताओ, क्योंकि आप ना फिर बैठोगे नहीं और अभी तक बहुत सारी करने वाली है, कोई बात नहीं जा रही है, बारह मोमिनों के नाम बच्चों से पूछेंगे, कौन सा बच्चे ने आकर रख दिया, पूरे नहीं बोलो, कोई बोलना नहीं बीच में, ठीक है, हाँ और आप खड़े करो, किसको बारह मोमिनों का नाम याद है, ए सानिया याद है, बच्चों से पूछ रही हूँ, हाँ जी कौन बोल रहे हैं, पूरी हो गए, बोल दिया, आयो बोलो श्री कायनाथ।
ये भी सुंदर साथ में सेवा की है। प्रणाम। सात क्यामत के निशान कौन बताएगा? एक हाथ, दो, तीन। अंजू चलो खड़े हो। देखना अगर अब आपके सिरजी ने 10 मिनट ज्यादा लिए ना तो फिर घड़ी ना देखना बाद में, क्योंकि हमारा टाइम इसमें जा रहा है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर नहीं चलते, जल्दी जल्दी। हाँ अंजू बोलो बोलो, और जल्दी से कौन बोलेगा? सलोनी थोड़ा सा जोर से बोलो, सब सुन ले, देखेंगे अपने गंगानगर वालों को देखेंगे। कितनी हो गई? चार का जारी होना, मुर्दों का कवर से उठना और सातों किसको आते हैं? कैसे किसने आवाज को? हाँ जी नीतू, हाँ खड़ी होकर बोलो, और किसी को भी आते हैं तो आग्रह कर लो। नहीं आप इस मसरत को छोड़ो, आप निशान बताओ। सूर्य वो तो हो गया, मगरब से सूर्य होना। पूरे काम हो मस्त मगरब ये काखन दजा दावा तो लक्ष्य में आ जाता है। हाँ नहीं नहीं वीरू ने सही बताया है, बिल्कुल सही बताया। बस दज्जाल का मारा जाना, आप ध्यान से सुनो, मगरब से सूर्य का उगना है ना, आजूज माजूज का, दावतुल अर्ज और परमधाम से असराफिल और जबराइल का आना, इसरुल्लाह का आना और दज्जाल का मारा जाना, ये वो दावतुल अर्ज में काना गदा कहेंगे तो वो सारे निशान किसके? शेर जैसी गर्दन है, शेर जैसी छाती और मुर्गे जैसी गर्दन, तो ये सारे एक दफा तो अर्ज के ही निशान है। आइए नीलू बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसमें सलोनी ने भी सही सुना है, कल और भी सुने जाएंगे, कल के प्राइज आपके लिए और आएंगे, पर मेरी दिक्कत कटाएंगे बहुत सारा चला जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये आपको पेन डायरी दी जा रही है इसलिए कि आपने जो अभी तक सुनी है वो ईमानदारी से इसमें लिख डाल, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हर्षिया कहाँ है? मैं तो दिख नहीं, वो कहाँ गई? अच्छा बाहर खेल रही है, उसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको एक डायरी देनी। तो हमारा क्या चलत भैया कहती के श्री मामत कह सुनो साजी और कहूँ हकीकत छोटी पत्री, ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में से लिखे आए हम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आप दावतुल अर्ज और वो दज्जाल के निशान उसको एक बार छोड़ दो। अंजू जी ये डायरी आपके लिए, आपने भी निशान पूरे बताए हैं, खड़े हो, ये एक रह गई है, इतनी हिम्मत करके बताना, आसान नहीं होता साहब। हर्षिया भी आ गई, अरे राज जी
सर फिर आपके लिए कल लाए। अच्छा अर्जी बताओ कि वो देवचंद्र जी की माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम कुंवर बाई, पिताजी का और उनके बेटे का नाम, देवचंद्र जी के बेटे का नाम क्या था? बिहारी जी। और उनकी बेटी का नाम क्या था? बोलो श्री प्राणा प्यारे की। छोटी सी बच्ची ने और बढ़िया। अब इसको और बहुत कुछ आता है पर अब मेरे पास समय नहीं है सुनने का। अंजू जी आपका ड्यू है, कल आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। परम श्रद्धेय परम पूजनीय बेबी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं इस मंदिर की सेवा कर रही हमारी दोनों बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी के हृदय में अर्श करके बैठे धामधनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी कल के रोज हम पत्री सुन रहे थे कि पत्री के अंदर श्रीजी साहिब जी ने 12 मोमिनों को कितनी सिखापत दी और ये पत्री किसके लिए है? तमाम जागरी करने वाले समस्त सुंदर साहब के लिए श्रीजी ने पत्री लिखी। पत्री में ये भी लिखा था कि पेट मां पक लेना, जितना खा सको उतना। और पत्री में ये भी लिखा था कि समय खाली मिले तो धर्मशास्त्र पढ़ना, लाइब्रेरी में से मंगवा लेना वो पढ़ना। और पत्री के अंदर कहा था कि वो अगर भाव से तुम्हें कुछ देना चाहे, जबरदस्ती जो फकीरों को देते हैं पहले आप मना करना, अगर देना चाहे तो आप उनसे ले लेना। शिवजी साहिब जी ने सारी शिक्षा किसको दी? तमाम जागनी करने वालों को। तो और कहते हैं एक समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में थे, लिखे आए हम पर। शिवजी साहिब जी की कुछ दिल की बातें दिल में रख रही थी, पत्र पूरा हो गया था तो शिवजी साहिब जी ने दूसरी छोटी पुर्ची लिखी। उस पुर्ची के अंदर लिखा कि भाई सुंदर साहब जी सात भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखी कि ये भी गलत रोशन, हम शाह कुमार भाई का बात का किया विचार, ये तो साहिब जी बहुत बड़ी घृणा पूर्ण नहीं शुमार। शिवजी साहिब जी ने पत्र में लिखा कि मैंने विचार किया है, किसका? शाह कुमार भाई का। शाह कुमार भाई का शासन बहुत विशाल है और इतनी बड़ी उसकी साहिबी है। अब हम चाहते हैं कि शाह कुमार जागृत हो जाए पर सुनने वाला और सुनाने वाला बिल्कुल घुटने जोड़ के सुनाने वाला ना बैठे और सुनने वाला ना बैठे, आंखों में आंखें डाल के और घुटन से घुट मिला के जब तक ना बैठे तब तक आत्मा जागृत नहीं होती। श्री जी ने कहा कि ऐ सुंदर साहिब जी और वो अपनी उसमें लगा हुआ है और अपनी बात को क्यों समझे संदेश सोई। कहते हैं उसके आसपास इतनी भीड़ रहती है, घेरा रहता है, किससे? वहाँ की प्रजा उसको घेर के रखती है, अकेला तो वो कभी होता ही नहीं। तो कहते जो संदेशा देके पीछे फिर ये घर जो लोग घुटन घुट सो बांध के सुनाए ना इन पर, ये कोई संदेशा नहीं है जो हम कह के घर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है आत्मा का जागृत होना। सिद्धि साहब जी जहान मोहम्मद को कहेंगे कि एक चित दे के 8 दिन बैठ के सुनो, भैरव सेठ को कहा कि चित दे के 1 महीना सुनो, तीसरे दिन आत्मा जागृत होगी, जहान मोहम्मद की भी तीसरे दिन आत्मा जागृत हो जाएगी। तो श्री जी कहते हैं कि हम चाहते हैं शाह कुमार की आत्मा जाग जाए पर शाह कुमार की आत्मा को जगाने के लिए हमारे आमने सामने उनको बैठना होगा और ये वो काम नहीं है कि कोई दूसरा कर दे। अब शेख सलेमान को चर्चा सुना रहे हैं मोमिन बैठ के, तो शेख सलेमान की चर्चा से औरंगजेब बादशाह थोड़ी जग जाएगा, ये तो काम वो नहीं है कि हमारे हिस्से की जागनी कोई और कर दे या हमारे हिस्से का पाठ और कोई करे तो हम जग जाएं, हमारे हिस्से का चितवनी कोई और करे हम जग जाएं, ये ऐसा नहीं है, ये तो खुद को करना पड़ेगा। और श्रीजी साहिब जी ने कहा और उनके पास साहिब नहीं है, और दूसरा जैसे हमारे ब्राह्मण लोग हैं
वो गायत्री मंत्र शुद्ध धरती को नहीं सुनाते। इसी तरह से ये मुसलमान लोग जो हैं, ये कुरान ना तो हिंदुओं को पढ़ने देते हैं और ना ही हिंदुओं के मुख से कुरान को सुनते हैं। तो कहते हैं इस वास्ते आप पर को जान पेश उपले की, कहते अपने को इसीलिए भेष बदल के जाना पड़ा। किसके दरबार में? तो श्री जी ने कहा कि आप घबराना मत, सब गोविंद बेड़े को तुमको पहचान जात वेश की। कहते आप सबको पता है ये संसार क्या है, गोविंद बेड़ा। गोविंद क्या था? गोविंद एक मरा एक इंसान तो वो प्रेत बन गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को प्रेत बनाया, फिर उसने अपने बच्चों को मार के उनको प्रेत बनाया, धीरे धीरे पड़ोसियों को मार के उसने प्रेत बनाया, तो बहुत बड़ी नगरी बन गई। उस प्रेत नगरी के अंदर एक बार तीन साधु गए और उसने बड़ा सुंदर बाजार लगाया। उस बाजार के अंदर हीरे मोती सब रखे। तो तीन साधु कहते हैं कि गोविंद ने बड़ा सुंदर बाजार लगाया, अपने भी रास्ता तो वहीं से निकलता है, निकले। पर पहले वाले साधु ने अच्छे से समझाया निकलना, पर किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, वहां कोई भी चीज को हाथ लगाओगे प्रेत बन जाओगे। तो पहला साधु तो नाम का जाप करता हुआ निकल गया, दूसरा ईश्वरी सृष्टि था वो भी निकल गया, तीसरा जो था गोविंद ने देखा कि दो साधु तो निकल गए, ये तीसरा भी निकल रहा है, ये किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे। तो तीसरे साधु ने क्या किया, वो तीसरे साधु के लिए गोविंद कंबल लेके आ गया। गोविंद कहता है कंबल तो साधुओं को चाहिए ही होते हैं, उठने बैठने सोने के लिए, जाते जाते कंबल तो लेते जाओ। तो तीसरा साधु कहता है हम कंबल लेने में क्या है, हमको हीरे मोती थोड़ी ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे। तो तीसरे साधु ने क्या पकड़ लिया, कंबल पकड़ लिया, कंबल ले लिया। अब कंबल लिया तो जो पहला साधु था वो कहता हमारा तीसरा साधु कहाँ रह गया, तो वो पीछे से आवाज देता भी तुम वहां क्यों हो, कहते ये कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा, कहते तुम कंबल को नहीं छोड़ रहे या कंबल तुम्हें नहीं छोड़ रहा, कहते हो तो कंबल मेरे तुम्हें छोड़ रहा। तो शिव जी ने कहा कि जैसे बंदर होता है ना, वो चने की मटकी में हाथ डालता है और वो बंदर पकड़ने वाले जो आते हैं वो क्या करते हैं, मटकी के अंदर चने रख देते हैं, चने रख के और बंदर को पकड़ना होता है, तो वो क्या करता है बंदर अंदर मुट्ठी भर लेता है चने की। अब चने की मुट्ठी भर लेते हैं और ऊपर से पकड़ने वाला आ जाता है उसको, और वो चाहता है मैं भाग जाऊं पर मटके में से भरी हुई मुट्ठी उसकी बाहर नहीं निकलती और चने को छोड़ता नहीं, चने छोड़ता नहीं तो हाथ उसका छोड़ता नहीं, तो जो उसको पकड़ने वाला उसी समय। महावती कान्हा जी ने कहा इसी प्रकार से हम ब्रह्मात्माएं किसको पकड़ के बैठी है, माया को, मुट्ठी भर ली है और वो मुट्ठी छोड़ती नहीं और माया ने हमको। कान्हा जी ने कहा ये गोविंद भेड़ है, तुम्हें वहां पे धन दौलत के लिए ललचाया जाए तो तुम किसी लालच में वहां पे नहीं आना, ये गोविंद भेड़े के अंदर मत फंसना। तो कहते हैं कि तो हम जात भेष का क्यों ना बाने से, हमें जाति भेष का कोई डर नहीं है, ये गोविंद वेड़ा है इससे क्या डरना, संकोच करो किस बात वास्ते, ये भेष बदला क्यों कर, और आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है कि हमने भेष क्यों बदला, क्योंकि आपको पता है ये प्रेत नगरी है, संसार के अंदर हम उतर के आए हैं और भेष और भाषा में कुछ नहीं रखा। ऐसा जान हम बारह जने बैठे भी दरबार, सो हमको शाक मार दे कया मजल से यो कर, धंधर कैसा हमको पीछे उनके मन में, हमारा भाष्य अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। ऐसा जान हम बारह जने बैठे बीच दरबार, श्री जी ने कहा भेष बदल के हम बारह जने दरबार के अंदर गए, तो कहते शाह कुमार के साथ हमारी थोड़ी चबूतरे पर बातें हुई और वो बातें सुन के आपका जोश देख के वो थोड़ा सा, तब तो क्या बोल रहा था कि धन्य है, तीन बार आशा को चूमा था उसने, धंधन कैसा हमको पीछे उनके मन में, पहले उसने धंधन कहा था ना, क्या कहा था, किसको, कब, कहा, पीछे बैठी कौन है, नीना, नीना नाम है ना, हाँ बोलो किसको, कहा गए थे मम्मी,
जब पहली बार गए थे, आपको आता था सबको, जब पहली बार गए थे और नीचे खड़े थे और बादशाह ऊपर चबूतरे पे ऊपर खड़ा था, तब उन्होंने कहा कि उस समय आपको पता है ना कि औरंगजेब बादशाह ने हमारी पहचान की थी। कहते धंधन कैसा हमको पीछे उनके मन में, बाद में उनके मन में किसने दगा कर दिया, पदाधिकारियों ने है? हमारा भाषा अवगुण क्यों, हिंदू मुसलमान ऐसे, हमारा अवगुण ये उनके अंदर आ गया कि ये हिंदू होते हुए मुसलमान का वेश धारण करके, ध्यान से सुनना चौपाइयों को ठीक है, कभी भी किसी से भी पूछा जा सकता है, किनके भेजे आए हैं कछु दगा है इन मन, क्या कह रहे आप बोलते जाओ ना, किनके भेजे आए हैं कछु दगा है इन मन, मतलब इनके दिल में हमारे लिए कपट तो नहीं है, छल तो नहीं है, ऐसा जान के साथ तो ये कोतवाले हवाले मोमिन, ऐसा समझ के उन्होंने हमें कोतवाल का क्या नाम था सिद्दीकुलाल उसके हवाले कर दिया। काजिए कया कोतवाल को जो साठ झूठ देखो तुम, एक कौन है कहाँ से आए तुम चर्चा करो हम। और शेख सलेमान काजी ने कहा सिद्दी पोलार जी इनकी जांच पड़ताल करो, ये कौन है कहाँ से आए हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं हमें बताओ, एक कौन है कहाँ से आए हैं तुम चर्चा करो हम। बहुत बातें हमसे करी जिस पीछे कया सुल्तान, जो ये झूठे नहीं दगा नहीं है मोमिन खास ईमान। शिवजी सर की लिख रहे पत्र, जो कि पहले पत्र लिखा है लालनाथ जी ने, उस पत्र का जवाब दे रहे हैं सिर जी साहिब जी। जवाब जब देते थे हम पत्र लिखते थे तो पूरी पहले बात लिखते थे कि आगे समाचार ये है कि आपका पत्र आया, आपने लिखा है इस तरह से, इस पत्र को लिखा जा रहा है, शिवजी साहिब जी ने ही पत्र लिखी है, मोमिन पहले पत्र लिख चुके थे उसका शिवजी साहिब जी जवाब दे रहे हैं। तो शिवजी साहिब जी ने कहा कि बहुत बातें हमसो करी तेन पीछे सुल्तान, जो ये झूठे नहीं दगा नहीं है मोमिन खास ईमान। हमारे साथ जब बहुत सारी शेख सलेमान ने चर्चा सुनी, कौन कौन से प्रकरण की चर्चा सुनी थी, हाथ खड़े करो किसको पता है, एक बिना ने हाथ खड़ा किया, कट्ठे मिला के बोल ही लोग हैं। जी प्राण बैठे शीर दीदी पीछे, शशि भाभी जी इमाम के मिलाप की है ना, और किसको पता है वीना, यही पता था शेख सलीमान जब बैठता है तो वो सारी उनको सुनाते हैं ना बैठ के, कि इमाम के मिलाप की है, और एक वो किस्सा सुना दो कौन सा, आप इतना सूरत के अंदर क्या है ब्रिज रास और जागने का, ललितपुर कदर की रात्रि कैसी होगी, ये सारी बातें सुनाए, ये सारी बातें सुनाने के बाद उनको पहचान हो जाती है किसको, फिर शेख सलेमान ने कहा कि ये ना तो झूठे हैं ना दगाबाज हैं। तब चौकी बैठाई थी तो कहते वो भी उठा ली और हवेली का हुक्म दिया और हवेली के अंदर इन्हें बैठाया, कहते फिर विकार इनके मन में जो आया था वो खत्म हो गया। और सिरजीत सही जी ने कहा अब जिस तरह से ये समझेगा हम उसी तरह से समझाएंगे, अब हमारे जिसको मिलाप कर दिया तुम, आपने मेरा मिलाप करवा दिया है शेख सलेमान से, क्योंकि मेरी वाणी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, आपने मेरी वाणी उनको सुना सुना के मेरा पूरा परिचय आपको वहाँ पे दे दिया है आपने। तो कहते कोतवाल सो भी भया, कागज सब सुल्तान मंगाए अपने पास जमा किए अपने, कहते कोतवाल ने सिद्दी पोलाद ने वो पत्र सारे के सारे रुक के औरंगजेब बादशाह को दे दिए, और औरंगजेब बादशाह अब जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे वैसे सबको पता लगते जाएगा। तो सिद्धि साहिब जी ने कहा और बात की हमसो, जब करेगा तलब तब हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो अब, और कुछ चाहत करेगा तो मेरे को लिखना, मैं आपको फिर भेजूंगा। अब तो हम जाहिर लगता है इमाम,
थाना फिर कर बैठे, इतने दिन छाना करते काम, अब तो है हम जाकिर। श्रीजी साहिब जी ने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि हम औरंगजेब बादशाह के दरबार में महामती प्राणनाथ जी का इमाम दंडी की फौज बन के जाहिर होके उसके घर में मंदिर बना के सबको पता लग चुका है कि ये इमाम मेहंदी के भेजे हुए 12 जने आए हैं। सुल्तान की जान में कोई बैठे जाए, अब तो हमको रखे लखिए बाहर। तो कहते सुल्तान को भी पता लग गया है कि 12 मोमिन कहीं नहीं है, वो शेख सुलेमान के पास बैठ के और उन्हें कुरान की चर्चा सुना रहे हैं। अपना अपना आपा निशान तुम दारिया सब साथ, किस वास्ते लहा लोगे तुम पर हक्के पकड़े हाथ। शिवजी साहिब जी ने कहा कि सुंदर सर जी, आपने अपने मैं खुदी अहंकार को निसंकोच होके आपने अपना आपा वार दिया है, और किस वास्ते लाभ लोगे पर तुम्हें हक्के पकड़े हाथ। आपको तो लाभ मिलना ही है क्योंकि आपके हाथ किसने पकड़ रखे हैं, स्वयं श्री राजी महाराज ने। जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया दाम, तैसे भारी बुझियो तैसे कीजो उस काम। जैसे तुम आप हो हे मोमिनो, जैसे तुम्हें आज देखने में सबको लगा ना वहां जाके भी कि ये तो आकाश के आसमान के सितारे हैं, तुम्हारे अंदर जो नूर है जो तेज है जो जोश है ये कुरान के अंदर तुम्हारे लिए पहले से लिखा गया था। जैसे तुम आपको तैसा फरमाया धाम, जैसी ब्रह्म सृष्टि है वैसे ही उसका परम धाम है। जैसे भारी बुझियो तैसे कीजो उस काम। जितनी आपकी महिमा शास्त्रों में गाई गई है उतने भारी होके आप काम करना, और जैसे कलमों में तैसे भरियो पाए। कलमों के अंदर सारे शास्त्रों के अंदर लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि प्रेम का स्वरूप है, तो तुम वहाँ पे प्रेम का स्वरूप ही बन के रहना। इतने दिन तुम मैंने पकार पकड़ बैठाए, कहते आपके बीच में मैं क्या पकड़ के बैठा हूँ, साक्षात राजी महाराज पूरा ब्रह्म अक्षरा की धनी शरीर को पकड़ के बैठे हैं, आए हुए खुद ही खुदा है। जिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। कहते सुंदर साहब जी, आपके कारण ही तो आज औरंगजेब बादशाह दरबार में मेरी बात हो रही है, आपने ही मेरी लाज रखी है वहाँ जाके, क्योंकि जितनी उन्होंने चर्चा चाही वो आपने सुनाई। और मोमिन कैसे होंगे, कैसे दीन इस्लाम पे समर्पित हो जाएंगे, वो उसको शेख सुलेमान को भी पता लग गया था, औरंगजेब बादशाह को भी पता लग गया था। अब तुम एक दूसरे से भारी हो गयो तुम, शिवजी ने कहा जागनी करने वालों एक दूसरे का सम्मान करना, भारी वचन कहना, सम्मान पूर्वक सुंदर साथ को बुलाना, अपने गुण बस कीजियो बड़े मोहरे को लगे तुम, और अपने गुण अंग इंद्रियों को बस में रखना। किसी के साथ भी वहाँ पे लड़काई बुद्धि से बचपन वाली बुद्धि से छोटी बुद्धि वालों से मत्था नहीं मारना। कोई तुम्हें कुछ कह दे तो तुम उसके 100 जवाब देने बैठ जाओ किसी के साथ, क्योंकि वो औरंगजेब बादशाह का शासन है, वहाँ पे किसी मुसलमान के साथ वाद विवाद करने के लिए बैठ जाओ तो ऐसा नहीं करना। हो तुम जान शिरोमन तो तुम साथ समझ, तुम बुद्धवान लचकिन तुम में बड़ी अवस। कहते तुम शिरोमणि हो समझ सुंदर। शिरोमणि किसको कहते हैं, मुकट होता है, और मुकट के अंदर या सेंटर में क्या लगी होती है, मणि। प्राणनाथ जी ने कहा 12,000 ब्रह्म सृष्टि मुकुट है लेकिन मणि का स्थान 12 मोमिनों को दिया जाएगा। बोलो श्री बहुत जोर लगा। अरे वाला बता वो तो बहुत जोर से बोलना पड़ता है। हेलो, तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तुम, क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर असरा भी लग तो बड़ी बुद्ध के खावंद हुए भी नहीं। तो कहते हैं कि बड़ी बुद्ध के खावंदों में ज्यादा तुम्हें क्या लिखूं है, अनजान को लिखत है किस वास्ते बेर बेर कया लिखे हम, किसी अनजान को इतना समझाना पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होती वो ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी,
एक इशारा तो समझ जाएगी। बहुत कहूं मैं कीर्ता करी है इशारा, शिव जी साहिब जी ने सारी बात में इशारा कर दिया। चार दिन अपन को है पत्री सो मिलाप, अकार मिलाप न हो मी, इस वास्ते जानो आप। हमें भी कहा है शिव जी साहिब जी ने, मैं तो अपने पे जानने लगती, हमें कहते हैं थोड़े दिन की बात है, उलझन स्वरूप के रूप में आपके सामने हूँ, अब खेल से उठोगे आप और हम साथ बैठेंगे। बोलिए श्री, थोड़े दिन मेरा पत्र पढ़ो, पत्र से मिलाप करो। हमारा मिलाप होता है जब हम धनी से बैठ के बातें करते हैं, उनको कह रहे हैं थोड़े दिन की बात है, पत्र का आदान प्रदान हो रहा है, इसके बाद तो हम मिलेंगे। लेकिन हम कौन सा पत्र समझे, हम समझे कि थोड़े दिन कुलजम वाणी, जब तक खेल में रहेंगे कुलजम वाणी पढ़ रहे हैं, पत्र के द्वारा मिलाप हो रहा है, और इसके बाद तो हम धनी के पास साक्षात पहुंचेंगे और शिव जी के पास बैठेंगे, साक्षात धनी जी के पास बैठेंगे। तो वह सुगंध स्वास्थ्य चाप के लिखे कलाम, हमको चार दिन जाना पड़े वास्ते इस काम, कहते इसलिए थोड़े से शब्द मैंने खेच के भी तुम्हें लिखे हैं कि बचपना मत दिखाना, हर चीज का वहाँ पे ध्यान रखना। सौवी कारज कारण जान परत आगे, ना तो हमारा जाना ना होए, सो जानो तुम के तुम पाती लिखियो संसार ऊपर, और नौतरपुरी तथा खम्बालिये पर, तथा पोरबंदर लिखो तथा मंडाई मंडई छठे, तथा सूरत खम्बात तथा अहमदाबाद के, और भरूच सिरपुर तथा उदयपुर में थे, संसार ऊपर पत्ती लिखते रहियो के, बहुत खुशहाल होए के वस्त्र दिखाइयो भोज, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। बोलो श्री प्राणनाथ की। इन सभी स्थानों पे शिव जी का पत्र लिखना और अपनी वस्तु का बहुत भार दिखाना, बताना उनको कि मोहम्मद भी आए हुए संसार के अंदर, ईसा रूह अल्लाह प्रकट हो गए हैं और आखिरी इमाम प्रकट हो गए हैं, हमारे पास तो परमधाम की वस्तु है, हम इसका प्रचार प्रसार क्यों ना करें। सबको वस्तु दिखाएंगे, खंडली लिखियो तुम, गल गलते रोते जिन लिखो, तो चौखा लिखते हैं हम। शिव जी सहदेव जी ने कहा जब भी किसी को पत्र लिखो तो पत्र के अंदर अपनी दुख न प्रकट करो, कभी भी पत्र लिखो तो पत्र के अंदर कैसे लिखो, हम सब आनंद मंगल में हैं, श्री राजीव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सदा आनंद मंगल के अंदर रहें। और श्री जी ने बिल्कुल मना किया है अपने दिल के दुख लोगों को बताने के लिए, ये समझ लेना सुंदर साहब जी, कोई शिक्षा को हम ले लें प्राणनाथ जी की वाणी। प्राणनाथ जी ने कहा मन की बात कभी किसी को मत कहो, और दुख का जितना प्रचार करोगे प्रसार करोगे दुख उतना बढ़ता है, और जितना उसको कम बोलोगे वो घटता है। तो शिव जी साहिब जी ने लालदास साहिब जी को बारह साथियों को कहा कि सुंदर साहब जी सुंदर गलत रोते ही लिखना पत्र, कैसे लिखना, सब पत्र थे अब फोन है मोबाइल है, कोई पूछे क्या हाल चाल है तो हमें क्या कहना चाहिए, श्री राजीव महाराज की बड़ी कृपा है। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, पूछो क्या हाल है, कहते कोई हाल नहीं, इन्हें दुखी कर रखे उन्हें दुखी कर रखे कोई हाल, कैसे नहीं बोलना, कैसे बोलना, लाइन पक्की कर लो, और राजीव महाराज सुनते सुनते थक जाए, भाई जो भी इससे पूछता भी क्या हाल है, ये कहती है श्री राजीव महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा बड़ी कृपा है। धनी कहेंगे भाई मैंने अब तक तो नहीं की थी पर अब कृपा करनी पड़ेगी। बोलो श्री, अपनी बहनों को भी नहीं बताना, तो भाइयों को भी नहीं बताना, किसी को ना बताना, अपने प्राणनाथ को बताना। धनी ने कहा मुझे देखो जो दुख है मुझे बताओ, यहाँ भी कह रहे हैं, कहते हैं जो कोई शख्स तुमको उत देवे जो दुख, तिनका सिर हम भान के उत देवे सुख, मेरे को बताओ तुम्हें कोई दुखी करता है संसार में, और खास करके जागरी करता जागरी करने वाले सुंदर साथ से कहा कि आपको जागरी करते हुए कोई दुख दे कोई ताना मारे कोई परेशान करे तो मुझे बताना, तिर
किसी का सिर हम बांध के मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे सिर पे, मैं उसका सिर तोड़ के उत देवे तुम्हें सुख, मैं सुख दूंगा, मैं खुशियां दूंगा। और अथवा कोई साथ में उल्टा होवे देवे कसोट, और कोई साथी तुम्हारा विरोध करे और तुमसे उल्टा हो जाए और तुम्हें कसोटे दे, तुम्हें दुख दे, सो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगा में करे चोट। मेरे को बताना, मैं चोट मारूंगा, ऐसी चोट मारूंगा कि मेरी लाठी में आवाज नहीं होती। ये कह रहे किसको? जागनी करने वाले सुंदर साथ को। कोई कमेंट करे, कोई ताना मारे, कोई गलत बात बोले तो शिव जी ने कहा उनसे मत कहना, मेरे को बताना एकांत में बैठ। किसने कहा था तुम्हें? किसने परेशान किया? किसने दुखी किया? क्योंकि तुम अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना संसार छोड़ के किसके लिए निकले हो? जागनी के लिए। तो श्री जी ने कहा मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ एक पाए, चिंता मत करना, मैं हूँ आपके साथ और सदा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के साथ एक पैर पे खड़ा हूँ। और कहते हैं अथवा कोई साथ में उल्टा हुए देवे कसोट, सो तुम हमको लिखियो ताकि बांध मंगाए करे चोट। हम जो वेश बदल के बैठे इस दरबार, जो उल्टा सीधा करने तरफ परवरदिगार, हम जो वेश बदल के दरबार में गए हैं वो हम गलत काम करने नहीं गए। हम तो चाहते थे औरंगजेब बादशाह की बुद्धि हमारे कपड़े चेंज करने से अगर वो बदलता तो इससे आसान काम और क्या हो सकता है। हमारी बुद्धि पे कोई फर्क नहीं पड़ता कपड़े ये पहनने से और वो पहनने से, इस वेश में क्या फर्क है। और मुसलमान तो हम तो डरे जो श्री देव चरण जी तकी ना हो, खोजी भाई नहीं वासना पर की सब साफ जाना कैसो है। हम मुसलमानों से तो डरे, अगर देवचंद्र जी ने अपने समय में वासना खोजी भाई को रही भाई की वासना जान के निज नाम मंत्र दिया था, बुला के दिया था और ऐसी पाती लिख के उठाए खड़े करो, चार वचन निर्माण के तैसे तान धरो, इस प्रकार के पत्र लिखो सबको। और तैसे ही बिहारी जी को और नाग जी अखई नौतनपुरी भेजियो जवाब आप क्यों कर सही। कहते नाग जी को भी लिखना, बिहारी जी को भी लिखना, अखई को भी लिखना, जागनी का काम कर रहे हो और तुम उन सबको लग रहे कि हाय हाय वो बारह साथी जेल में गए होंगे, अब उनके मन में क्या चल रहा होगा, हम क्यों आए, हमें क्यों दोष चढ़ गया, हम घर से निकल के क्यों आ गए। शिव जी ने कहा रोकते तो डरते नहीं लिखना, जैसे घर से गए थे ना ऐसा ही लिखना कि मेरे सच्ची साहिब जी हमारे धामधनी हमारे अंग संग है। अब तो तुम केसरी सिंह हो ऊपर पहनी पाखर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाहर के लोग भी जयकारा बोलो, ज्यादा कृपा मिलेगी, इनसे भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि शिव जी कहेंगे दूर बैठे थे तभी इन्होंने नहीं सोचा कोई सुन रहा है कि नहीं, तभी इन्होंने जोर से जयकारा लगाया श्री प्राणनाथ प्यारे की। शिव जी साहब जी ने कहा अब तो तुम केसरी सिंह हो, तुम क्या हो? परमधाम की शेरनी, केसरी और ऊपर पहनी पाखर, और तुमने कुलजम वाणी के वचनों की पाखर पहन रखी है। तुमने कवच कौन सा धारण कर रखा है? कुलजम वाणी का कवच धारण कर रखा है। तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार करेगा, तुम्हारे पास कितने वचन है, कितने वचन है, बिन मारे ही मर जाएगा सामने ऊपर। बोलिए श्री और फिर जी ने कहा काम मुलाजा जिन करो कासद को भेजो ऊपर, किसी का भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे है, चर्चा करते हुए किसी का लिहाज रखने की जरूरत नहीं है। थोक थोक के वचन कहो, क्योंकि तब तक जब तक कहते रहो जब तक उसकी आत्मा जग न जाए। तो कहते कासव पर वो भेजिए उनके दिल की जब खबर, कोई तुमसे आप छिपामी सो मालूम होवे इन पर। कहते तब तक सबके पत्र लिखते रहना जब तक सामने वाला पत्र का जवाब देना पे, एक बार नहीं देगा फिर तुम लिखो, फिर दूसरी बार पत्र का उत्तर नहीं देगा तो फिर लिखो, तीसरी बार उसके मन में जो भरा होगा ना वो सारा लिख देगा। जैसे गुरुपुत्र बिहारी जी का था ये कलेश नहीं है, ये कलेश है जो मेरे पास भेज रहा है, तू कवि बना हुआ है,
अनेक प्रकार की कविताएं तैयार रोज करता है, मेरे पास भेज देता है। कविताएं तैयार करता है, मेरे पास भेज देता है, है? तो दिल की बात बार आ गई ना। पत्र लिखने से क्या होगा, जो उनके दिल के अंदर है वो सब बाहर आ जाएगा। और श्रीजी साहिब जी ने कहा कि एक बात का और ध्यान रखना, जो जैसा तैसी तीनों लिखो तुम कलाम, जो जगह हुआ है उसको जैसे घर नहीं किए जाओ। ऐसे नहीं भाई, जगे हुए को नहीं डांटना, जगे हुए को कुछ नहीं लिखना पत्र में, है? जो नहीं जगा हुआ उसकी खंडनी करनी है। बेचारा जगा हुआ है और उसको कह दे मेरे अंधे अभागी जीव रे तू क्यों सुस्ता है, वो कहेगा मैं कहां सुस्तू हूं, आपको जागे रहो तुम। तो कहते जैसा, जो जैसा तैसा तीनों लिखियो तुम कलाम, जिस पे लागू होती हो जो बात तब कहना, जो आगे अग्नि के मोम पिघल जाता है, जैसे अग्नि के सामने मोम पिघल जाता है, ऐसे जो परमधाम की आत्माएं होंगी वो वाणी चर्चा सुन के पिघल जाएंगी। मोमिन एक लवे हो सी टूक टूक। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन मान करी ताए हम रुपया देने 4000। कहते जिस माया को अपना समझ के बैठे हो ना, वो माया होता कैसी है। एक ही कबीले स्वार्थी दुख आए न कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो सुपना। प्राणनाथ जी ने कहा ये जितना हमारा परिवार है ना, ये सारे स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं। ए भी कबीले स्वार्थी दुख आए ना कोई अपना, दुख की घड़ियां जब आ जाती है तो अपना कोई नहीं बनता। जात वजूद भी रंग बदले, अपनी जाति का माँ के पेट से पैदा हुआ हुआ वो भी जब वक्त बुरा आता है तो वो भी रंग बदल जाता है, जो फना हो सपना। कहते जैसे सपने की तरह वो भूल जाता है कि ये मेरा भाई था। कहते श्री साहिब जी देखो दयाराम भाई, दयाराम के भाइयों ने पता क्या कहा है, सुपारी दी है मुसलमानों को कि हमारे दयाराम को वापिस कर दो, है या दयाराम को आप मार दो, हम उसके बदले में 4000 आपको देंगे, उसके बदले में किसी और को भी भेज देंगे, पर हमारे दयाराम भाई को मार दो। क्यों मार दो, क्योंकि हमारी लोक लाज मर्यादा इज्जत सारी मिट्टी में मिला के रख दी। मुसलमानों के दरबार में दयाराम भाई चले गए। तो श्री जी ने कहा इस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत मार डालत भाई को पैसे देके, ये गोविंद भेड़ा है, भाई भाई को पैसे देके मरवाने के लिए तैयार है, वास्ते अपने शर्म के सबने यही स्वार्थ उनकी शर्म डालेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मरवा रहे हैं। गोविंद मेरे इन भारत के एक नजर में राखियो परत, याद रखना तुम्हारे घर परिवार वाले भी ऐसा सोचे कि क्यों चला गया। तो शिव जी ने कहा याद रखना ये संसार वाला परिवार तो एक दिन तो छूट नहीं है, और ये सारे स्वार्थी हैं। ऐसा हो स्वार्थी गोविंद बेड़ा चौदह तबक, ये वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक, ये ऐसा चौदह तबक प्रमाण जो है वो सब स्वार्थी हैं। तुम जान शिरोमन हो, भूलोगे नहीं तुम, तुम तो शिरोमन ही हो, तुम नहीं भूलोगे। क्या रखा है जात पात में, वेश भाषा में, हिंदू बन गए मुस्लिम बन गए, इन बातों में कुछ रखा है। और सब बात का बोझ जो उठाए कि जो तुम, तुम्हारे ऊपर है जी महाराज ने जागनी का बोझ दिया है, और जागनी के बोझ को सुंदर साची हंसते हंसते उठाना। और तुम जुदे इनसे जिद पड़ो ना तो चेहरा हो तुम। श्रीजी साहिब जी ने एक बात लिखी कि सुंदर साची दयाराम भाई को अकेले न छोड़ना, कभी भी कोई मुसलमान 4000 रुपए कम सुपारी नहीं थी उस समय के। 4000 रुपए कितना पैसा होगा भाई, 40 लाख। तो 40 लाख कौन मुसलमान लेके मारने के लिए तैयार नहीं रहेगा दयाराम को, क्योंकि उन्होंने कईयों को कह दिया था कोई जाके मार दे उनको, हम देंगे 4000। शिव जी ने कहा तुम जुदे इनसे जिद पड़ो, दयाराम भाई को अकेले एक मिनट भी ना छोड़ना, कहीं मेरा दयाराम भाई मारा ना जाए। मैं तो जैसे भेजा है 12 साथियों तुम्हारे चमकते हुए मुखड़े वैसे ही देखना चाहता हूँ, और पीछे कहोगे ना गया तुम समझो इनसे, मैं जो तुम्हें बात समझा रहा हूँ समझ लो, बाद में ना कहना कि शिवजी साहब जी हमें पता ही लगा वो अकेले बाहर चले गए दयाराम, तो पता नहीं कौन मार गया उनको।
बाद में नहीं कहना, मैं नहीं सुनूंगा बाद में, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि दयाराम भाई को एक पल के लिए अलग नहीं देगा। जब लाग देखूंगा तब मैं ले बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। जब मैं लाग देखूंगा, मैं देखूंगा कि अब वक्त आ गया है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे बुला सकते हो। बिना किए मसलत जिन करो कोई काम, सब परियाने कीजियो देख अपना धाम। जो भी काम करना 12 साथियों आपस में मीटिंग करके करना, एक दूसरे से पूछ के करना। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे फिर विचार, जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। मैं तुम्हारी पत्री का इंतजार करूंगा, जब तुम पत्र लिखोगे तब मैं बाहर जाऊंगा। हाथ खेल हरक के बांधोगे तुम कमर, तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल गढ़ घर। कहते हंसते खेलते कमर बांध के जागने का काम करना, क्योंकि श्री राज जी महाराज ने ये बोझ आपके कंधों पे दिया है। जो कदी नकार से मैं जुदा रहूं दो दिन, अंतर्गत शांत में बुला हुआ इनाम रोशन। कहते अकार से हो सकता है दो चार दिन के लिए मैं आपसे अलग हो जाऊं, ये मेरे से अंदर से शिव जी कहते मुझे इल्हाम हो रहा है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, मैं जाके कहीं किसी राजा की जागनी करूं। तो मेरे भाई तो इन समय लिया है बोल तुम, जिस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी जुबिना होए आत्म। बोलो श्री प्यारे की। श्रीजी साहिब जी ने कहा एक बारा साथियों, आपने जो निजंग संप्रदाय के लिए कुर्बानी की, आपने तो मेरे को खरीद लिया है, मोल ले लिया है। मैं मोमिनों प्रेम से बिक जाता हूँ, और प्रेम तुमने मेरे लिए इतना दिखाया कि मैं उस प्रेम के बदले में अपने आप को तुम्हारे हाथों में बेच चुका हूँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं बात सुन जाऊँ क्या? बिका हुआ आदमी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, मैं तुमने मुझे खरीद लिया और मैं बिक गया हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, चला जाऊँ क्या? तो कहते हैं यहाँ की हकीकत भारी शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। यहाँ की हकीकत कौन बताएंगे आपको? शेख बदल भाई, जितनी बात बताएं उनको सही समझना। शेख बदल आए पीछे हमको पढ़ो जो भयो सुख, हम तुमको मिलेंगे तब हंस के भागेंगे दुख। शेख बदल ने आके आपका समाचार जब दिया तो मुझे बड़ी खुशी मिली, पर मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिसमें मैं तुमसे गले मिलूंगा, और गले मिलके मिलते ही सारे के सारे दुख हमारे दूर हो जाएंगे। हमको बड़ा हरक है सब सुख में रहियो तुम, दिन जागनी के आए नजीक शाबाश लाल भाई तुम। कहते हमको बड़ा हरक है, शिव जी कहते मैं बड़ा प्रसन्न हूँ सब सुख में रहियो तुम, सारे सुंदर साथ को आशीर्वाद दिया कि तुम सुख आनंद के अंदर रहना, और दिन जागनी के आए नजदीक, अब जागनी समय बहुत नजदीक आ गया है, शाबाश लाल भाई तुम। लाल भाई जी महिला होते हुए आपने इस मोर्चे में पूरा सहयोग दिया, क्योंकि 12 साथी 4 महीने तक वहाँ रहते हैं, तो लाल भाई जी 4 महीने तक श्याम भाई राम राय ये सब के सब बाहर से व्यवस्था करते रहे। तुम शूर धीर पना किया आगे धरे कदम, एक महिला होके शूर वीरता दिखाई और मोमिनों से भी आगे कदम रखे। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म, शेख बदल आके बताएंगे कि लाल भाई मैं आप पर कितना प्रसन्न हूँ। जब ये बातें बताएंगे तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें खुशी होगी कि शिवजी साहिब जी ने लाल भाई के लिए क्या क्या कहा है। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम लाल भाई को कहती। कहते सुख समाधान आनंद का पत्र आप लिखते रहना, और सभी सुंदर साथ को प्रणाम, लाल भाई जी को प्रणाम, 12 साथियों को प्रणाम, शिव जी का प्रणाम,
सबको शिव जी ने प्रणाम का, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पत्री आई है, आई है पत्री, आई है पत्री, आई है आई है पत्री, आई है। अपने धनी की कर लो
उस नासो त्रिको छोड़ के आजा रबद जो तुमने की ना होती अंगना इतनी जुदा भी ना होती पतली आई है पतली आई है आई पतली आई है हाथी जब खत लिखता है तो पत्री में चेहरा दिखता है एक एक का नाम जब शिवजी ने लिखा होगा है ना तो पत्र के अंदर 12 साथियों के चेहरे किसके सामने थे शिवजी साहिब जी के सामने और शिवजी साहिब जी ने जो पत्र लिखा लालदास महाराज जी ने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा छेड़ा जो करते हो पत्र वो सारा का सारा वाणी के अंदर रखा और ये समस्त सुंदर साथ के लिए इस पत्र के अंदर बहुत सारी शिक्षा मिली। अब सिद्धी साहब जी कामा पहाड़ी पे थे और कामा पहाड़ी से चल के आमेर आए और आमेर में एक दिन रोके और पीछे आए सांगानेर हमारे राजस्थान के अंदर हमारे सिद्धी साहब जी प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की हम करते हैं अभिनंदन सिरजी साहब पधारे हैं हम करते हैं अभिनंदन सिरजी साहब जाके आमेर में शिवजी साहिब जी के भोजन ले जाते शिवजी साहिब जी का स्वागत करते पर अब तो आए बैठे हैं अब तो साक्षात बैठे हैं आज जिसने बोल दिया ना उसने उस समय का भी स्वागत आज कर लिया क्योंकि तो बड़ा पश्चाताप है कि तब हमने भूखे ही यहाँ से चले गए अब तो जिसको स्वागत कीजिए हम करते हैं अभिनंदन हर गान पधारे हैं
राजस्थान में पड़ा। शिव जी के चरण कहाँ आए? राजस्थान में। तो जब शिव जी राजस्थान में आए, हमें नारियल भी तोड़ना चाहिए, थोड़ा ना, कि शिव जी कहाँ बना रहे हैं? राजस्थान में, जयपुर में। तो कहते हैं कामा पाड़ी से होई के आए बीच आमेर, दिन एक दो रह के पीछे आए सांगानेर। बोलिए श्री कांता आता है। तो कहते हैं श्रीजी साहब जी बैठे देखे एक खाट ऊपर,
छबील दास आगे खड़ा और मनोजन नाम दौबकी पड़े थे शुदा छो जो थी स्थान। कहते हैं छबील दास जी और मलुक जल्दी दोनों हजूरी के रूप में शिव जी के साथ थे, पर बहुत भूख लगी हुई थी शिव जी को। ऐसे ही लिख लालदास महाराज जी, लालदास महाराज जी को तो शिव जी ने मना किया कि हमारे दुख बिल्कुल न लिखना, पर लालदास जी महाराज वहां तो एकदम खुद रोने बैठ जाते हैं ना, तो कैसे सुंदर सबको एक लाइन ना बताए, कैसे छुपा ले सिरजी साई जी के दुख। तो कहते दो दुखी पड़े हटे छुदा जोर थी साथ, शिव जी को बहुत जोर से भूख लगी थी, पर ना रात को भोजन मिला है ना दिन को मिला है। और ये दुखी क्यों थे, घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, पहचाने शेर बदलने कमो लागे इन समय। कहते छबील दास जी और मनोज चंद जी के पास पैसे नहीं थे कि जाके कुछ खरीद लाए और खरीद के सिद्धि साई जी को कुछ खिला दे, असमर्थ थे। तो कहते इधर से श्री राज्य की लीला देखो, कैसे राज्य लीला कर रहे हैं, परम धाम से राज्य नहीं भेजा होगा, किसको भेजा होगा, शेख पदल जी आ जाएंगे और कौन आएंगे, इधर से मुकुंद दास जी आ जाएंगे। तो कहते पहचाने शेख पदल ने कदमों लागे इन समय। कहते शेख पदल ने दूर से देखा दुकान पर और वहां एक खाट के ऊपर चारपाई के ऊपर शिवजी साहिब जी बैठे हैं सफेद धोती कुर्ते के अंदर। दूर से देखा, देखा तो दो सुंदर साथ खड़े हैं शिवजी साहिब जी के पास। दौड़ के गए और मुकुंद साई मिले थे बकरी रुपए 104 मोल मंगाए बाजार से चलाया कार व्यवहार। कहते मुकुंद दास जी भी आ गए और मुकुंद दास जी के पास 400 रुपए दे। आज वो 400 रुपए कितने होंगे, आप और हम होते ना तो 400 में से मेरे को लगता है हम 100 रुपए ही देते, हम आज भी यही करते हैं, कितना देते। इन्होंने क्या किया, सारे दे दिए, किसको दे दिए, इसको कहते हैं तन मन धन से। शिव जी को दुखी देखा, शिव जी को देखा कि भूखे प्यासे बैठे हैं, इस पैसे के कारण ये तो मैं सारा ही मार दूं, है ना। तो कहते हैं थे पैसे शेख की ग्रह में रुपए 103, शेख बदल के पास 300 रुपए थे, उन आए आगे रखे लगे बातें करने आकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज भी जब वहां पे महाराष्ट्री जी बिंतक वाणी चर्चा कर रहे थे, कोई सुंदर साथ 700 रुपए बिंतक के पास रख गया। आज भी उसने शिवजी साहब जी का दिल जीत लिया, क्योंकि प्रसंग के अनुसार किस सुंदर के दिल में भाव प्रकट हुआ पता नहीं, महाराष्ट्री जी ने बताया पीढ़ी के ऊपर बिंतक में कोई 700 रुपए रख के गया है कि उस समय में तो हम नहीं थे और हम आज तो हैं, हम आज शिव जी को कुछ अर्पण करें। तो कहते सुबह महाराष्ट्री जी ने वो नोट निकाल के दिखाए सुंदर साथ को कि सुंदर साथ जी धन्य है वो सुंदर साथ जिसके मन में आज ये भाव आया। तो कहते शेख बदल ने भी निकाल के 300 रुपए रख दिए कि आप यहाँ रात को मुकुंद दास मिलके मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल से, शिवजी साहिब जी के दिल की लगे बातें पूछन, देखो कैसी मतलब गर्त है हुआ कसाला ऊपर मोमिन। मुकुंद दास जी के दिल में एक बात थी, मुकुंद दास जी मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, मोहम्मद साहब पे उनका विश्वास नहीं था ज्यादा। तो कहते हैं कि उन्होंने सोचा अब तो शिवजी साहिब जी बड़े टूट गए होंगे, क्योंकि 12 साथियों को 4 महीने हो गए, वो कहाँ पे हैं, नजर कैद में हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि देखो कैसी मतलब करते हैं हुआ कसाला ऊपर मोमिन, मोमिनों पर इतना सिद्धि कुराद ने मोमिनों को कष्ट दिया, अब शिवजी के मन में औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए इनके मन के अंदर क्या है। तब शिवजी साहिब जी ने कहा अपना छोड़ू इन्हें और इलाज कर मारू जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। मुकुंद दास जी ने कहा कि आपके मन में और क्या है, शिवजी साहिब जी ने कहा इस औरंगजेब बादशाह को मैं और मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं, मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। बोलिए श्री और ये शिवजी साहिब जी ने गलत नहीं किया, कहा 52 लड़ाइयां महाराजा छत्रसाल जी लड़ेंगे और वो इस दिल्ली को छोड़ के उत्तर भारत में चला जाएगा, इस सिंहासन को छोड़ के शिवजी साहिब जी सिंहासन को छुड़ा के रहेंगे। कब,
शिरसी साहिब जी ने यही वाणी में चौपाई रखी है, क्या राज रोज रुहन का जब इत पहुंचिया आए, तखत बैठे शाह कहलावते, सो तखत से दिए उल्टाए। शिवजी साहेब जी कहते हैं जब हमारा राज्य आया, हमारा वक्त आया, औरंगजेब बादशाह एक दिन सिंहासन पर बैठने लगा तो उसको क्या दिखा सिंहासन के ऊपर? शेर। इतनी बड़ी साक्षी, इतनी बड़ी गवाही प्राणा जी ने वाणी में कही है, किसी विद्वान का कहना नहीं है, किसी वित्तकार का नहीं, ये सीधा शिव जी ने वाणी में श्रृंगार ग्रंथ में कहा है। बड़ी प्यारी बात कही कि राज रोज रुहन का, जब रूहों का हक की सूरत का राज्य शुरू हुआ, इस पहुंचा आए दिल्ली के अंदर, जब अपना राज्य शिवजी साहिब जी कर रहे थे, तखत बैठे शाह कहलावते, सो तखत से दिए उल्टाए। कहते उस तखत पर वो औरंगजेब बादशाह बैठने लगा, उसने कहा शेर बैठा है, तो सारे पदाधिकारियों ने कहा तखत पे तो कुछ भी नहीं है, और मना के बैठाया तो कहते वो तखत पटक के नीचे गिर गया। तखत से दिए उल्टाए, तखत टेढ़ा नहीं होता, तखत बिल्कुल उलट के और बादशाह पटक के नीचे गिरता है। तब वो कहता है कि वो हक की सूरत, वो इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इमाम मेहंदी की पावर को कम मत समझना। मुकुंद दास जी देखना चाहते हैं कि अब इनके दिल में क्या है, क्या पता ये सोच ही नहीं कि अब नहीं जाएंगे औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए। तो कहा जो देखी हिम्मत सिद्धि साहिब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार को हमसे। जो देखी हिम्मत इसके अंदर श्री प्राणनाथ जी ने कहा, और जोश में आ गए और ताकत बढ़ गई, क्योंकि ताकत कब बढ़ गई थी? जब पता लगा था कि मेरे 12 साथियों को इसने कितना दुख दिया। कितनी आयतें आपने सुनी, कितनी आयतें थी, कल सारी आयतें ही आयतें कुरान की आपने सुनी, ये सारी सिद्धि के मुखातिब इनसे गर्मा पहाड़ी में उतर जाती है ना। तो कहते हैं अब कहाँ को जाएंगे विचार को हमसे। फिर शिवजी साहिब जी ने कहा मेरे से बच के कहाँ जाएंगे, इन सब को एक दिन किसके सामने आना है? शिवजी साहिब जी कहते हैं मेरे सामने, मैं आखिरी जमाने का खामन हूँ और सारे ब्रह्मांड को मैं अखंड करने के लिए आया हूँ, तो मुझसे बच के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे एक जगह पंथी था और वहाँ पे 1,00,000 लोग थे। शिवजी साहिब जी ने मुकुंद दास जी को कहा कि जाओ आप देख के आओ। तो मुकुंद दास जी जब गए और रूपचंद जी गए तो भीड़ लोग इनके पीछे दौड़ते हैं और ये दौड़ते दौड़ते वो तो छोड़ दिया, कहाँ चले गए? उदयपुर के अंदर चले जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते हैं मुकुंदनाथ विचार के आए पहुंचे उदयपुर, गए लातू मसानी के यहाँ शिवजी साहिब जी की फिकर। लातू मसानी के यहाँ जाते हैं, शिवजी साहिब जी की जाके बातें करते हैं। उन्होंने जाए बातें करी शिवजी साहिब जी के मिला, कबूल करे उन्होंने बुलाए आओ तुम आप। मुकुंदनाथ जी ने ऐसी वाणी चर्चा सुनाई, तो वाणी चर्चा सुनते ही क्या कहते हैं लादू मसानी के, आप स्वामी प्राणनाथ जी को यहीं पे लेके आओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस समय बनमाली दास आए पहुंचे खम्बात से। ये बनमाली दास जी ने बड़ी बहुत बड़ी सेवा करी थी, क्या करी थी? क्या बंगला जी का तखत चंदन का है, तो वो बनमाली दास जी ने मनाया था। बनमाली दास कहाँ के रहने वाले? खम्बात के। और संत रामबाई गोदावरी आई पहुंची इन समय। गोदावरी बाई क्या सेवा करती थी? तेल लगाती थी। मुलाकात करी इन्होंने, फरमान दिया धन, मेला मोमिन का हो चला खुशहाल हुआ मन। मुलाकात करी इन्होंने, ये खाली हाथ नहीं आते, बहुत कुछ लेके आए हैं। तन मन दिया धन, बनमाली दास जी और गोदावरी बाई अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ प्रॉपर्टी बेच के पेशा के लिए श्री प्राणनाथ जी के पास आ गए। बोलिए श्री श्री भाई जी और साथ रहे आगरे में। मुकुंदास साहिब पहुंचे, पाई खबर कौन से? कहते सिद्धि साहिब जी ने महिला मंडल सुंदर साहब को आगरा के अंदर छोड़ा हुआ था,
जी जब आते हैं वापस तो लादू मसानी जो उदयपुर का रहने वाला है वो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाता है, तारतम ले लेता है और उस समय ऐजुराज जी को, महिला मंडल सुंदर साहब को, सभी को मुकुंद दास जी ने कहां बुलाया है, उदयपुर के अंदर। तो कहते फिर लातू मसानी के वहाँ मुकुंद दास दही खबर, उनको मुलाकात करी, उनके दिल में भरी असर, तातुम दही हवेली दही उतरे इन तीन ठोर, ता चर्चा होने लगी रही बात ना हक में। और कहते लादू मसानी ने एक सुंदर हवेली की व्यवस्था कर दी, क्योंकि मुकुंद दास जी उदयपुर में रह रहे थे तो सब लोगों से जानकारी थी, तो वहाँ पे एक हवेली ले ली और हवेली लेके वहाँ पे चर्चा होने लगी। नया मंडान हो चला सात आवत बीच इस्लाम, कोई वेद देव की चर्चा एक पाया विश्राम। कहते नया पिंडान हो चला, अब उदयपुर के अंदर नई जागरी होती है, ये चर्चा होने लगी, जाता हुई खबर सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। कहते चर्चा जब होने लगी तो सभी लोग दौड़ दौड़ के श्री प्राणनाथ जी के चर्चा सुनने को आते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। अपने साथ के लोग जो ताके चित वह सन्मुख, दिदार्थ जी साहेब जी की बड़ा जो पाया सुख, अपने जो सुंदर साथ थे उनको भी बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद आया कि किस जी साहेब जी उदयपुर के अंदर आए। इन सभी नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात, गला चर्चा सुन के निके सुनी हक बात। नूर मोहम्मद उदयपुर में बारात के साथ आया था तो उसकी भी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि बाराती अपना काम करने लग गए और इधर नूर मोहम्मद कहाँ आ गया, चर्चा चल रही थी उदयपुर में, तो उदयपुर की चर्चा के अंदर सिद्धि साहब जी जब चर्चा कर रहे हैं तो उस समय में आता है एक सैयद बरात ने सुनी चर्चा दी इस्लाम, ले आया ईमान ले आया इन समय देख मोमिनों काम। कहते हैं बारात के साथ आया था, मोमिनों को बैठे हुए देख के, प्राणनाथ जी को बैठे हुए देख के ये भी चर्चा सुनने के लिए आ जाते हैं और यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं। तो इधर से यो मास चार में जो साथ लड़े संत सुल्तान, इन्होंने अर्ज करी लिखी ये पहचान। कहते चार महीने हो गए औरंगजेब बादशाह के दरबार में बारह साथियों को रहते हुए उन्होंने पत्र लिख के भेजा सचिव साहिब जी को कि सचिव साहिब जी अगर आपका आदेश हो तो हम आ जाएं। ए शरीयत तो हम लड़े देखाए नैनो निदान, बिना सोटे इन पर के क्यों ना जावे ईमान। बारह साथियों ने पत्र लिखा सिद्धजी साहेब जी को कि सिद्धजी साहेब जी जब तक इसके ऊपर सोटा नहीं बरसेगा, कोई राजा को नहीं जगाओगे और दूसरी तरह युद्ध नहीं होगा तब तक ये मानने वाला नहीं है। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुकम, तिन माफ कम करें जैसे लिख भेजो तुम। शिवजी साहेब जी को सुंदर साथ ने कहा हम आपके पत्र का इंतजार कर रहे हैं, आप जैसा हुक्म करो आपका हो तो हम यही रह जाएंगे, अगर आपका हुक्म हो तो हम आ जाते हैं। तब पाती लिखी उन पर उठ के आयो तुम, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। शिवजी साहेब जी ने तुरंत पत्र लिख दिया, क्या कह दिया षष्ठी भाभी जी पत्र में क्या लिखा सिंह जी ने, हाँ जी क्या लिखा, हाँ इसके ऊपर किसका, अब राजी महाराज के हुक्म से छोटा बरसेगा उसी से ये जगेगा है। पार्टी शेरपुर ले आईया दिल्ली बीच मोमिन, सुन के सुख पाया दिल हुआ रोशन। शेख बदल जी पत्र लेके आए और सुंदर साथ सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा देओ तुम, हम जाएंगे अपने ठोर हमको करो हुक्म। उसी समय हमारा साथी शेख सलेमान के पास गए और उनसे कहा कि अब आप हमें इजाजत दे हम घर जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान, तुम परसों आई हो आम खास सुनाऊ कान। उसने कहा शेख सलेमान ने आप परसों आना, मैं औरंगजेब बादशाह का जब दरबार लगा होगा सारे आम जनता बैठी होगी तो उस उनके बीच में तुम्हें मैं उनसे इजाजत लेके दूंगा, परमिशन लेके दूंगा। तब एक दिन भी स्टार्ट के लेके चला जोर,
सुल्तान सामने ठाड़े किए, आप हजूर किया मजबूर। एक दिन बीच में डाल के शेख सलेमान 12 साथियों को लेके जाते हैं और ले जाके और उनके बादशाह के दरबार में उन्हें खड़ा कर दिया। ए विदा होते हैं जाते अपने ठोर को, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सदों। कहते ये शरीयत के साथ धर्म युद्ध जो करने आए थे ये लोग अब यहाँ से विदा होना चाहते हैं। तुमको जिन मजबूर किया, तब काजी ने कहा ए मोमिन उसी दिन तुम सोची मजबूर किया जो ले आए ईमान मोमिन। शेख सलेमान ने कहा ये वो ही 12 साथी हैं जिन्होंने आपके साथ वार्तालाप किया था और ये दीन इस्लाम पर सच्चा ईमान लेके आए हैं। देखिया सामने सुल्तान ने तीन बेर पेर पेर सिर निवाए देखिया के खुदा इनको दे खैर। बोलिए श्री चार महीने रह के आए हैं और वो भी जिंदा निकल के आ गए हैं। जहाँ पे जाते हुए सोच के गए थे शिवजी ने भी उनको देखा था, उन्होंने भी शिवजी को देखा था। आपको बताया था कैसे प्रणाम करते हुए गए थे, सीधे सीधे पीठ नहीं करी थी शिव जी को। जहाँ तक शिव जी का मुख अरविंद नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था, शब्द लेते लेते गए थे, है ना। कितनी जबरदस्त शब्द ली थी जैसे कोई सैनिक लेते हैं। और उस समय आपने देखा था कोई बच के नहीं आया था कोई भी। और ये शिवजी साहिब जी की अपार कृपा, हमारे 12 के 12 साथी जैसे गए थे वैसे वापिस आ रहे हैं। तो उन्होंने औरंगजेब बादशाह को कहा कि एक ईमान दीन इस्लाम पे ईमान लाए हैं ये वही मोमिन है। तो कहते देखा सामने सुल्तान ने तीन बेर 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 सिर निवाए देखा है खुदा इनको देख खैर। उसने अपनी तरफ से इन मोमिनों के चरणों में सजदा बजाया है, इन मोमिनों के चरणों में प्रणाम करी है। 100 रुपया खर्च देने का किया हुक्म सिर्फ प्रिय दौड़िया ले मोमिन तुम। और इनके बादशाह ने कहा इन मोमिनों को 100 रुपया मेरी कमाई में से दो। राय दरबार में से नहीं दिया, कुरान लिखता था खुद और कुरान लिख के बेचता था, उसकी जो कमाई होती थी उसी की रोटी खाता था, उसी में से 100 रुपया आज किसको दे रहा है, मोमिनों को। जब राजा नहीं सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, विदा हो के चले रहे एक दूसरे दिन। बोलो श्री प्यारे की जय। आए कौन से उदयपुर मुलाकात करी श्री राज, वेश बदल शामिल भये भय इस्लाम के काज। कहते हैं आके मुलाकात करी अपने घर जाके वेश बदल के शिवजी साहिब जी के चरणों में आए। शिवजी साहिब जी इनको देख के कितने प्रसन्न हुए होंगे। कितने महीनों बाद आए हैं, 4 महीनों बाद। और जिनकी उम्मीद ना हो भेजते हुए और वो बच के आ जाए तो शिवजी ने आप थोड़े लीला को देखा करें कि शिवजी ने एक एक मोमिन को कैसे कंठ से लगाया होगा, कैसे गले से लगाया होगा। 4 महीने बाद उन्हें आके मिले हैं। तो कहते एक लक्ष्मण भीमबाई श्यामदास खिमई श्यामलदास गरीबदास और सर लालबाई श्यामबाई राम राय के आए पहुंचे कदम मिलते सुख पाया इन्हों सौंपी आत्म। कैसे मिलते ही इतना सुख हुआ, इन्होंने अपनी आत्मा को कहाँ सौंप दिया है, शिवजी साहिब जी के चरणों में। इन समय उदयपुर में बड़ा भया चर्चा का पूर दर्शन रहस्यो होगी बड़ा रोशन हुआ जरूर। इस समय शिवजी साहिब जी उदयपुर के अंदर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंदर अब सुंदर साहब को साक्षात हो रहा है श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में थे। चर्चा करते करते श्री राज जी के दर्शन हो रहे हैं और बहुत सारे सुंदर साहब आते हैं और वहाँ उदयपुर के लोग आते हैं। कोई तो कहते हैं इनके अनंत लोचन हैं, कोई कहते हैं ये बड़े साध हैं, कोई कहते हैं कोई इनकी स्तुति करते हैं और कोई इनकी निंदा करते हैं, कोई कहते हैं इन राजा को मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने भेष बदला है, कोई कह कुरान पढ़ते हैं, कोई कह वेद कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा बताओ ना,
पता क्या था, कोई आया होगा उस दिन शिवजी साहब जी वेद पे चर्चा कर रहे होंगे, फिर कोई दूसरे आए होंगे उस दिन शिवजी साहब जी कुरान पे चर्चा कर रहे होंगे, फिर कोई और आए होंगे शिवजी साहब जी गीता भागवत पे चर्चा कर रहे होंगे। अब जिसने जो देखा उसने वो कहा, कहते कोई क्या कुरान पढ़ता है, हम गए थे आयतों पे चर्चा कर रहे थे, और कोई क्या वेद कर रहे हैं, ना भाई हम तो गए हैं तो किस पे चर्चा कर रहे थे, वेद पे। और इन बात रानी आगे बातें बतावे हैं, एम लगा लगा के बातें बताई रानी पंडित बेलिए जाए के देखो तुम, वहाँ कैसी चर्चा होता सुनाओ सारी। हम राणा ने क्या किया, पंडितों को भेज दिया कि जाओ वहाँ पे चर्चा सुन के आओ कैसी चर्चा होती है, वे तो आए बेकार तुम इन्होंने ही काम आतम। अब पंडित लोग तो पंडित क्यों बनते हैं, पेट के लिए है। देवचंद्र जी ने पूछा था ना पुजारी जी से कि पुजारी जी ये आपको इतने वर्ष हो गए सेवा पूजा करते हो, कितने वर्ष हो गए। देवचंद्र जी ने पूछा तो पुजारी जी बोले 25 वर्ष हो गए। तो देवचंद्र जी ने कहा आपको तो कई बार दर्शन हो गए होंगे है ना, तो वो कहते नहीं बेटा मेरे को दर्शन नहीं हुए, आप कितने वर्ष तक लगोगे ना आपको दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको क्यों नहीं हुए, बोले मैं पेट के लिए पूजा करता हूँ आप आत्मा के लिए कर रहे हैं, कितना फर्क है। बोलिए श्री ये पंडित लोग किसके लिए कर रहे हैं, पेट के लिए। तो कहते देखी तो चर्चा पड़ी क्या जवाब देने देवेंगे तुम, कहते हैं पेटार्थु लोग थे और यहाँ पे इन्होंने ही काम आत्म, इनको कोई अपनी आत्मा थोड़ी से गवानी थी प्रेरणा जी से। और देखा तो यहाँ पे चर्चा बड़ी जोश से हो रही है, और कहते हैं तो देखिए तो चर्चा बड़ी क्या जवाब देंगे तुम। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए काम, प्रेरणा जी ने 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के इनके आगे रख दिए। इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान, इन प्रश्नों के आप हमें उत्तर दो, जवाब आया ना उनको दिया ना जाए उत्तर। अब जवाब नहीं आता तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। अब सारे पंडितों ने मीटिंग बुलाई, ये तो बुरे वैरागी हमारा भांगेंगे रोजगार, ये तो बड़े बुरे वैरागी है भाई। अगर ये हमारे राजा को मिल गए राज सिंह को, तो राज सिंह को मिलते ही इनके पास तो ब्रह्म ज्ञान है, और ये ब्रह्म ज्ञान हमारा राजा सुनेगा तो वो जाग जाएगा, जाग जाएगा तो हम पंडित लोगों को ये भट जाते हैं, हमारा दिल नहीं भटकता, ये तो जाग जाते हैं। तो कहते वो जाग जाएगा तो फिर हमें दरबार में नहीं रखेगा, जो हमें थोड़ा रोजगार पेट के लिए मिलता है तनख्वाह मिलती है वो भी वो बंद कर देगा। तो इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो वो खबरदार। सारे पंडितों ने मीटिंग बुलाई और कहा कि इनकी हम निंदा करेंगे। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ स्तुति करी, फिर पीछा आया देखने भूल बड़ी दिल धरी। स्वामी लालदास जी को याद आ गई, भागवत के विद्वान प्रकांड विद्वान थे, इसलिए बात कहाँ की याद आ जाती है, कुरान की भी याद आ जाती है। कल अजय जी का किस्सा याद आ गया लालदास जी को, और आज भागवत की बात याद आ गई। इसका मतलब सारा दिन उमड़ घुमड़ के भागवत कुरान अंदर से आती रहती है वाणी के साथ साथ। कहते इनका बड़का ब्रह्मा था, कहते इनके पंडितों का बड़ा कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो जब श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की थी, इतनी लंबी स्तुति भागवत के अंदर गाई गई है। और जब वो 5 साल के हो गए श्री कृष्ण और फिर बड़े हो गए, जब गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगे, तो उस समय में ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनका दर्शन तो करके आऊं। दर्शन करने के लिए आया तो श्री कृष्ण बछड़े चराने के लिए ग्वालों के साथ गए हुए थे, और जब बछड़े चराने के लिए गए उस दिन श्री कृष्ण जी ने अगासन को मारा था, पछाड़ दिया था, तो सारे ग्वाले आपस में बैठ के पार्टी कर रहे थे कि हम आज कुछ खाएंगे, सब जने इकट्ठे होते, तो सारे इकट्ठे बीच में सेंटर में श्री कृष्ण बैठे थे और सारे ग्वाले और क्या खा रहे थे, माखन और मिश्री और घर से लाई हुई रोटी, और वह टुकड़े श्री कृष्ण आधा टुकड़ा एक ग्वाले के मुंह में डालते हंसी मजाक में, फिर मक्खन लगा के दूसरे ग्वाले के मुंह में डालते, कोई टुकड़ा अपने मुंह में डालते, फिर ग्वाले के मुंह में डालते, फिर थोड़ा सा माखन और मिश्री ग्वाले को अपनी उंगलियों से चटाते, फिर वो खुद चाट लेते। ये सीन कौन देख रहे थे,
ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा हो मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ के इनकी इतनी स्तुति गाई, पर ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थोड़ी है। फिर कहता है कि चलो मैं परीक्षा ले लेता हूँ। परीक्षा लेने लगे तो बछड़े जो चल रहे थे उन बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को कहा मैं एक मिनट बछड़ों को देख के आता हूँ। जैसे श्री कृष्ण बछड़ों को देखने गए, इधर वो ग्वालों को भी उठा के ले गए ब्रह्मा जी है। श्री कृष्ण जी आए, अब ग्वाले भी नहीं है और बछड़े भी नहीं है, दोनों को चुरा लिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आपने मेरे वाला काम करना शुरू कर दिया ना, चोरी करना हम किसका है तो मैं आपके वाला कर देता हूँ। रचना ब्रह्मांड की रचना करना काम किसका है? ब्रह्मा जी आपका। आप चलो कोई बात नहीं, मैं आपका काम करता हूँ, आपने मेरा काम किया है। श्री कृष्ण जी ने उसी समय अपने तन धारण किए, खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही ग्वाले बन गए और ग्वाले बछड़े बन के आज गायों का दूध बछड़े खूब पी रहे हैं। और आज जो गोपियां हैं वो घर में बड़े प्यार से मक्खन खिला रही हैं, और श्री कृष्ण जो ग्वाले हैं उनका पेट ही भर रहा, गोपियां खिलाई जा रही हैं। क्योंकि गायों ने एक बार सोचा था कि श्री कृष्ण हमारा बड़ा दिल करता है कि ये बछड़ों से पहले आप हमारा दूध पियो, ये बछड़े झूठा कर देते हैं दूध आप बाद में पीते हो, पर हमारा मन है कि पहला दूध आप पियो। आज उन गायों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बछड़ों के रूप में कौन दूध पी रहे हैं? स्वयं श्री कृष्ण पी रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, गोपियां कहती थी जैसे यशोदा को श्री कृष्ण मिले हैं ना, ऐसे हमें मिले होते हम तो सारा दिन घर बैठा के मक्खन खिलाते और सारा दिन श्री कृष्ण को ही देखते रहते। तो आज क्या हो रहा है, वो गोपियां जी भर भर के मक्खन खिला रही हैं। एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी ने सोचा जाके देखूं तो सही, मैं गुफा में बंद करके आया था बछड़ों को और ग्वालों को, उनका क्या हाल चाल है। और जैसे देखने के लिए गए गुफा में, तो गुफा में ग्वाल और बछड़े बंद हैं। फिर आ गए गोकुल में देखने के लिए, वृंदावन में देखने आए तो श्री कृष्ण उन ग्वालों के साथ उन बछड़ों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो फिर जाते हैं, कितने चक्कर काटते हैं भागवत में कहते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं कि भाई ये क्या मेरे साथ छलिया कर रहा है कि मैं उधर जाता हूँ तो ये इधर कर देता है ग्वालों और बछड़ों को, अब जब मैं इधर आता हूँ गुफा में तो ये उधर ले जाता है ग्वालों और बछड़ों को। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां भी है और यहाँ भी है। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा तुमने तेरा काम कर लिया ब्रह्मा, ठीक है। अब श्री कृष्ण जी ने क्या किया, श्री कृष्ण ब्रह्मपुरी में जाके सिंहासन पर बैठ गए। किसके सिंहासन पर? ब्रह्मा जी के। और वहां के द्वारपालों को कह दिया एक देहु रूपिया ब्रह्मा घूम रहे नीचे, अंदर आए तो धक्के मार मार के बाहर निकाल देना। बोलो कृष्ण कन्हैया। बिचारे ब्रह्मा जी थके हारे हुए चक्कर काट काट के वहाँ ऊपर पहुँचे कि अब मैं क्या करूँ। ऊपर जाके देखते हैं, अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने धक्का मारा ब्रह्मा जी को, बोले ये क्या कर रहे हो? कहते हमें पता लगे तेरे जैसे बेहू रूपिया ब्रह्मा नीचे कितने ही घूम रहे हैं, तू बेहू रूपिया ब्रह्मा है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम्हें क्या हो गया? तो बोले हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। कहते मैं ब्रह्मा हूँ? कहते वो देखो ब्रह्मा जी बैठे। श्री कृष्ण जी चौमुख धारण करके बड़ा तारा रख के बोले ब्रह्मा जी क्या हाल है, मेरे साथ चलाकी, मेरे साथ होशियारी, ये तखत किसने दिया तुम्हें बैठने के लिए, ये रचना करने के लिए तुम्हें किसने हुक्म दिया, मेरा काम करते हो? कहते फिर श्री कृष्ण जब ग्वालों के साथ बैठे मक्खन खाने के लिए, इन्होंने माफी मांगी, चरण पकड़े, चरणों में गिरे। फिर जब श्री कृष्ण ग्वालों के साथ बैठे मक्खन खाने के लिए तो ये मछली का रूप धारण करके आ गए। पहले कौवे का रूप धारण किया कि कोई टुकड़ा तो इनसे गिरेगा ना, टुकड़े खा रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा भी गिर जाएगा ना वो मैं खा लूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा झोली फैला लू अपनी, और झोली फैला के एक एक टुकड़ा खाना, आज एक भी टुकड़ा नीचे नहीं गिरना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, पानी तो पियोगे सही जमुना जी ने से, जमुना जी के किनारे बैठे हो। ब्रह्मा जी मछली बन के जमुना जी में तैरने लगे। जैसे जमुना जी में तैरने लगे, श्री कृष्ण जी ने कहा ग्वालो आज पानी लेना तो ऐसे पीना बिल्कुल एक बूंद भी पानी की जमुना जी में नहीं जाने देना। ये कपटी ब्रह्मा चरणामृत लेके मछली बन के जमुना जी में घूम रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, एक बूंद भी नहीं गिरने दिया। अब ब्रह्मा जी आके सष्टांग चरणों में गिर गए। हम रोज गाते हैं कोटिय तन ब्रह्मा कर थाके, कोटिय तन ब्रह्मा कर थाके सो जूठन। बोलो ना जूठन धनी सहरी के पासो पंचम निश दिन पास। हमें ना चार बारों के प्रसाद मिलता है, सवेरे भी मिलता है शाम को भी मिलता है, घर में प्रसाद ही प्रसाद हुआ पड़ा होगा। बोलो प्रेरणा, कितना सुबह मिलता है कितना शाम को मिलता है, और वो ब्रह्मा जी एक कण के लिए तरस रहे थे। ठीक है, फिर कहते घर में पहचानिया भूल गया बाहर, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। दूसरे ए ऋषेश्वर करते थे जगन, हर मांगिया तिन पे मेरे कर्म में मगन। दूसरे ऋषेश्वर जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण कहाँ गए, गाय चराने के लिए जमुना तक गए। श्री कृष्ण जी का नियम था वो पैरों में चप्पल नहीं पहनी उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक, और दूसरा कभी केश नहीं कटवाए, और तीसरा मथुरा कभी नहीं गए। और वो मथुरा के पार बैठ के वो यज्ञ कर रहे थे। कौन? ऋषेश्वर यज्ञ कर रहे थे। उस दिन घर से कुछ लेके नहीं गए थे। श्री कृष्ण जी ने ग्वालों को कहा ग्वालों आज बड़ी बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, कई पूड़ियां बनने की, हलवा बनने की, खीर बनने की, और अपने को भूख लगी है। जाओ वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं वहां से अपने लिए भोजन प्रसाद ले आओ। तो वो जो यज्ञ कर रहे थे उन ब्राह्मणों ने वापिस भेज दिया उनको कि तुम्हें देवी देवताओं को खिलाए बिना थोड़ी तुम्हें दे देंगे आगे मांगने के लिए। उन्होंने भगा दिया, वो वापिस आ गए, बोले नहीं देते, वो लड़े हैं बहुत, भगा दिया उनको। श्री कृष्ण जी ने कहा किसके पास गए थे? बोले ब्राह्मणों के पास। अरे अपना ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, अपना सारा काम ही इनके साथ है, अपना भला प्यार ही कन्हैया का प्यार किसके साथ? गोपियों के साथ। वहां क्यों गए? अपने ब्राह्मणों के पास थोड़ी जाना था। अरे पिछली साइड से जाओ और वो बैठी होंगी उनकी ब्राह्मणियां, उनको बोल लो। ब्राह्मणियों के पास हो गए और जाके बोले श्री कृष्ण को बड़ी भूख लगी है। तो ब्राह्मणियों ने थाल सजा लिए और सुंदर थाल सजा के ढक के और पिछले गेट से निकल के आ गई श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए। जब श्री कृष्ण जी ने वो छप्पर प्रकार के भोजन किए तो ब्राह्मणियां कहती हम घर कैसे जाए, पंडित हमें आने नहीं देंगे, लड़ेंगे बहुत। तो वो कहते आज नहीं लड़ेंगे, आज आपका स्वागत करेंगे। जब वो ब्राह्मणियां वापस गई तो वो ब्राह्मण बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा आज आपने हमें बचा लिया, धन्य भाग है हमारे जो आज हमारे घर का भोजन श्री कृष्ण जी ने स्वीकार किया। हमने तो भगा दिया था, इतनी बड़ी गलती कर ली थी, पर आपने उस गलती का गुना हमें माफ करवा दिया। तो कहते मथुरा के जो पंडे हैं ना वो क्या करते हैं, घर का काम करते हैं सारा दिन, और उनकी जो पत्नियां हैं वो पेड़े बेचती हैं बैठ के आराम से, वो काम करती हैं। उन ब्राह्मणियों को क्या मिल गया, आशीर्वाद मिल गया कि अब ये सारी उम्र ये काम करेंगे और तुम आराम से दुकान पे बैठ के सामान बेचना। बोलो कृष्ण कन्हैया। तीसरा क्या था, भृगु बड़काई का लात मारी खाती भगवान, एक दिन की नस्ल हो असल माफक पहचान। अब एक भृगु ऋषि थे, हैं? भृगु ऋषि जी ने क्या किया कि मुझे देखना है ब्रह्मा विष्णु महादेव में से कौन बड़ा है।
ब्रह्मा जी के पास गए तो भृगु ऋषि ने प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा भृगु ऋषि को कि भृगु ऋषि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पिता माँ के सामने आके तूने प्रणाम नहीं किया। फिर इसके बाद गए विष्णु भगवान के शंकर जी के पास, महादेव जी के पास, तो महादेव जी को प्रणाम नहीं किया, उनको भी क्रोध आ गया, बोले तुम बड़े नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि आपको भी क्रोध आया है और महादेव जी को भी क्रोध आया है। फिर गए विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान जी के पास गए तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और विष्णु भगवान सोए हुए थे और पूछा कि कहाँ है, बोले ये सो रहे हैं। भृगु ऋषि ने लात उठाई और अपनी लात सीधी छाती पे मारी, किसके, विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान जी ने चरण कमल पकड़ लिए भृगु ऋषि के, भृगु ऋषि मेरी तो बच्चर जैसी छाती पत्थर जैसी हैं और आपके कोमल कोमल चरण कमल, एक कोमल चरण कमलों के ऊपर चोट तो नहीं लग गई, बच्चर जैसी छाती के ऊपर आपने कोमल कोमल चरण कमल रखे तो चोट तो नहीं आई। तो कहते सबसे बड़े कौन है, विष्णु भगवान। तो शिवजी साहिब जी ने स्वामी लालदास जी महाराज लिखते हैं, इन जाए रानी आगे लगे निंदा करने, ए वैरागी किसी ना काम के, कभू ना देखिए इन्हें, ये उन्हीं की तो आगे चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे उन्होंने पहचान नहीं की थी श्री कृष्ण जी की है, और भृगु ऋषि ने कैसे पहचान करी, ये कोई तरीका थोड़ी था किसी की परीक्षा लेने का। तो कहते ये भी वैसे हैं और दूसरा अंकुर जैसी अद्भुत जिस वास्ते राने को कछुना भाई शुद्ध, जितना अंकुर होता है वैसी ही पहचान होती है। इस तरह करते हुए एक दिन राणा ताल पे आते हैं, शिवजी और वाइजुदाज महारानी साहिबा उस दिन तालाब पे है और सारा सुंदर साथ वही तालाब पे है, वहाँ एक हवेली लेके और हवेली के अंदर बैठे हैं शिवजी और बाईजुलाल महारानी साहिबा। इन समय अगुर साथ के ताको लेने लगे साथ, सब साथ पर खड़नी जोर हुई। इनके बाद शिवजी साहिब जी सारे सुंदर साथ के अंदर, क्या अगुर देखा कि सुंदर साथ जान जागने के लिए साथ साथ जाते थे तो ढेरों सामान देते गए सारे सुंदर साथ को, और सुंदर साथ सारा सामान इकट्ठा करते गए और कई रंगीन वस्त्र इकट्ठे हो गए, सोना चांदी इकट्ठा हो गया। तो शिवजी साहिब जी ने भेष बदलाए, सबन के शरणी पहनाई कानन और साहिब फकीरी का सोदिया हाथ मोमिन। यहाँ आके शिवजी साहिब जी ने सारे सुंदर साथ को कहा कि हमें एक भेष रखना है, क्योंकि देख रहे हो पीछे शेख बदल के पीछे भी लोग लग गए, मुकुंद दास जी के पीछे लग गए, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के हम चलेंगे तो हमारा जागने का काम नहीं हो पा रहा। तो कहते किसी ने खुश होके वस्त्र पहने और किसी ने कोई रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल, काटे अपने आकुल ले जबराई संग हाल। कहते कोई रो धो के खुश हुए और कोई वैसे प्रसन्न हो गए कि हमारा वेश शिवजी साहिब जी ने हमें धारण करवाया है। इस समय दयाराम चंचल गंगाराम बनारसी ये सीधे पहले घर गए थे अपने वेश बदलने के लिए और इस समय ये सारा सुंदर स्थल यहाँ पे आ जाता है और शिवजी साहिब जी घोड़े पे बैठ के जा रही हैं और 5000 सुंदर स्थल साथ चल रहे। अव्वल खान मोहब्बत खान से पूछते है कि ये कौन है, तो उस मोहब्बत खान ने बताया अव्वल खान को कि ये इनके दीन इस्लाम के लिए इन्होंने कमर बांध रखी है। उन्होंने कहा मेरे से कुछ छुपाना मत, ये जो है मुझे वो बताओ। कहते अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर, मुझको खबर तुम दो बैराकी का मजबूर, जो तू छिपाएगा मुझको तो होगा दामनगीर। एक कौन है कहाँ से आया कैसा फकीर, तब नूर मोहम्मद ने कहा शामिल दीन इस्लाम है कलमा कुरान, इनपे कबर बांधी दीन के कहा, इनके पास क्या है कुरान है और दीन इस्लाम की स्थापना करने के लिए इन्होंने कमर बांध ली। और कहते एक हक अकीन था सुनते जाया ईमान, आया उत्तिदार को करते ही अपनी पहचान, चाकू अपने हाथ लेके मारक अपने अंग, तब मने के श्रीराज ने आए बैठो हमारे संग। अव्वल खान के पास चाकू था, शिवजी का नूरानी मुखड़ा देख के और ये देख के कि ये मेरे प्रीतम इस संसार के अंदर कब से आए होंगे ना, जो 5000 जमात कब से इनके साथ चल रही है और मैं अब तक भूला हुआ हूँ, तो
इसके पास चाबुक था घोड़े को मारने वाला, और वो चाबुक से इसने अपनी पीठ को छील दिया प्राणनाथ जी के सामने। तो शिवजी साहेब जी ने सब मने किए, सिद्धराज आए बैठो हम संग। शिवजी साहेब जी ने हाथ पकड़ा अवल खान का और उनको अपने चरणों में बैठा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और वहां इस समय चटनी का काम चल रहा था, मुकुंद दासी दरोगा होके खड़े हैं और वहाँ कुछ मुसलमान लोग आ जाते हैं और वो आके कहते हैं हमारे तुम तो कलमा मोहम्मद का तो हम होवे तुम्हारे ऐसा ही जाता, हमारे मोहम्मद साहब जी का आप कलमा बोल के दिखा दो। मुसलमान लोग कहते हैं फिर हम आपके हो जाएंगे। तो शिव जी के अंदर जबराइल आ गया, आया जबराइल इन समय शिव जी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। शिव जी साहब जी को जोश आया कि मेरे और मोहम्मद के बीच में तुम आने वाले कौन होते हो, वो मोहम्मद साहब तो मेरे अंदर बैठे हैं। और अवल खान को जोश आ गया तो वो सारे के सारे उठ के वहां से चले गए। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सवन घरों जाए शोर करे, लगे निंदा करण मोमिन। एक दिन कीर्तन में रहना आया करण दीदार, मुंह छुपाए ठाठा लिया देखा रासलीला बिहार। वो सारे के सारे अवल खान का जोश देख के वापिस चले गए। और एक दिन कीर्तन चल रहा था, भजन कीर्तन के अंदर कौन आ जाते हैं गाना राज सिंह आते हैं। तो शिव जी कहते हैं उसका इतना ही अंकुर था, इनों के दिल में शक करे लाया ईमान अवल खान, 300 मस्करी करे भाई पूरी पहचान। अवल खान को देखा राज सिंह राजा ने कि भाई देखो ये मुसलमान होता हुआ और एक हिंदू संत के ऊपर अपना पूरा इसने विश्वास कर रखा है। तो उसके साथ कमेंट करते थे कि तेरे को पूर्ण पहचान हो गई, तेरे इमाम भी इन्हीं के अंदर आए हुए हैं। तो श्री मामद कहे मोमिनो इतलाव करो यार, फिर कहो उदयपुर की जो भीतर दुनिया। आज थोड़ी देर बैठ के सुन लो सुंदर साहब जी, 10 मिनट और। फिर कुआ से आए उदयपुर उतरे हवेली में, 700 आए मिला सुख पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, भोली भाई साथी जिनको संग ले आया। ए दो कदमों लगे 700 किया मिलाप, बातें सुनी इन उसकी लगे चर्चा करने आप। इन समय पाशाह ने करी मुहिम रानी पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। कहते इस समय क्या होता है, औरंगजेब बादशाह जो है वो मथुरिया को भेजता है किसके पास, राज सिंह राणा के पास। कहता है उनको जाके कह दो कि तुम मुसलमान बन जाओ तो मैं 5 परगने जमीन जो नदियों ने घेर रखी है वो मैं आपको दे दूंगा, है ना। उस मथुरिया ने आके गरीबदास पुरोहित को कहा, गरीबदास पुरोहित जाके राज सिंह राणा के कान में कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह का संदेश आया है, अगर आप मुसलमान बन जाओ तो आपको 5 परगने वो जमीन दे देगा। तो उस समय राजा राज सिंह कहता है अगर तू पंडित ना होता ब्राह्मण ना होता तो मैं तेरे को धक्के मार मार के बाहर निकाल देता। कहते देव धक्के इन दूत को जो ऐसी सुनावे बात कान, दलील हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान, उसको हिंदू होने का बड़ा गुमान था। कहते वो दूत वहां से चला गया। फिर इसके बाद से जिस साहेब जी ने कहलाया कि आने दो औरंगजेब बादशाह को, राणा साहब आप चिंता मत करो उसके साथ कुरान की चर्चा हम करेंगे। शिवजी साहेब जी ने कहलाया हम रदल रद बदल करें इतर, दौर नजीक पहुंच गया बखत रोज क्या मत, तुम कछु न बोलियो रद बदल करें हम इन रास्ते दिन की आवे ले कदम। शिवजी साहेब जी ने कहा राजा राज सिंह आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, औरंगजेब को मेरे सामने आके एक बार आप बैठने दो, फिर देखो मैं उसको कैसे जगाता हूँ, बहुत समय हो गया वो मेरे से छुप छुप के इधर इधर रह रहे। एक बात राणी सुनी हम ऐसे नहीं पात्र, वो कहता भाई राजसिंह राजा कहता है हम ऐसे लायक नहीं है, हम उस औरंगजेब हम सुनते पाठ डराते हैं हमसे ना हो पाए, हमें तो औरंगजेब बादशाह का कोई संदेश ही आ जाता है तो हमें डर लगता है। तो तब हजूर दज्जाल था सो निंदा करने लगा जोर, हम आगे तुमसे ये करने लगे शोर। वहां पे दज्जाल रूप में ब्राह्मण बैठे थे पंडित बैठे थे, वो कहते हमने पहले नहीं कहा आपको कि वैरागी किसी काम के नहीं है, इनको आप यहाँ से निकाल दो। तो कहते निकाल छोड़ो इनको, कोई क्या लूट ले हो तुम, राणा सब सुनत है पर कछु न किया हुक्म। किसी ने कहा इनको लूट लो, किसी ने कहा इनको यहाँ से निकाल दो। और भीमसेन
राजा का भाई बैठा था, उसने कहा कि इस चोर वैरागी लूट लोगे तुम तो हम होने के बदनाम। उन्होंने कहा अगर लूट लोगे तो हम सारे बदनाम होंगे, उदयपुर में इनको नहीं लूटना। भेज दिया कोतवाल को तुम विदा हो चार दिन, जब सुख समाधान होमी फिर आयो साधु जन। फिर राज सिंह राजा ने भेजा, किसको भेजा? कोतवाल को, ठीक है कि चार दिन के लिए आप विदा हो जाओ। जब यहाँ पे औरंगजेब बादशाह ने घेरा डाल रखा है, जब वो यहाँ से शांति हो जाएगी तो तुम लोग वापस आ जाना। लश्कर चारों तरफ जाले फैलाया, जोर पावे ना कोई रिक्स ने बड़ा जो किया शोर। सिरजी सेठ जी ने विचारिया हुआ हमको हुक्म, ये है आज्ञा से निकाल सी यहाँ से उठो तुम। सिरजी तुलसीदास जी कहते हैं देखत ही हर्षत नहीं, कहते जो देखते ही आपको पसंद ना हो तो कहते वहां नहीं जाना चाहिए। शिवजी साहिब जी ने देखा यहाँ पे कि इसको हमारे यहाँ रहने की कोई खुशी नहीं है और हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो कहते इस समय श्री प्रायणनाथ जी ने ये सामा सो कम संग निभे नहीं लगा इति पाठ दीजिए, ऐसा किया विचार। शिवजी साहिब जी ने कहा ये जो इतना सामान इकट्ठा कर रखा है ये सारा का सारा सामान हम कहाँ उठा के चलेंगे हैं? हमको ये सारा सामान उदयपुर के अंदर बांट देना चाहिए। तो कहते हैं फिर कोतवाल आया लाया हुक्म दूसरी बेर, रानी राजा सही तुमको यू कर गया। फिर कोतवाल आके कहता है आपको राजा राज सिंह ने रजा दे दी है, आप यहाँ से चले जाओ। अब इन रहने का धर्म नया लगा। प्रणा जी ने कहा अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमारा जो प्यार है परवरदिगार तुमने तो पता ही है हम जागरी के काम में लगे हैं, जहाँ पे शिवजी साहिब जी कहते धनी जी चाहेंगे हम वहाँ जाएंगे। इस समय महा सिंह दर्शन करने के लिए आता है तो शिवजी साहिब जी ने उसे सिरों पांव पे पांचों कपड़े उसको देते हैं पहनने के लिए और तीन सबों ने सिरों पांव घरों दिए पहुँचाए, निर्गुण भेष पहन का मोमिनों दिया बताए। शिवजी साहिब जी ने सब पदाधिकारियों को पांच पांच कपड़े दे दिए और सारे सुंदर साथ को कहा कि हमें क्या करना है निर्गुण वेश सफेद वस्त्रों में हम सारे सुंदर साथ चलेंगे। पहले चिरक वस्त्र सब सब सरबुंदिया डार हुए चलने को तैयार, छोड़ा कार व्यवहार क्या कर रहे थे जागनी का काम कर रहे थे वो सारा छोड़ के यहाँ से चलते हैं। वस्त्र सरगुन पक्ष दिया सबन तुम्बा कुपड़ी गोदड़ी ये वेश पहना मोमिन। शिवजी साहिब जी ने क्या पकड़ लिया हाथ में तुम्बा, वो कद्दूर होता है ना जो लौकी होती है उसके अंदर से निकाल के उसको सुखा के उसका तुम्बा बनाते हैं और कहते हैं एक छड़ी जो पकड़ने वाली कुपड़ी और गोदड़ी जो पहनने के लिए भी बिछाने के लिए भी है और ओढ़ने के लिए और वो ऐसा वेश सारे मोमिनों ने पहन लिया। अब तुम साथ उदयपुर का जिन सौंपिक आतंक आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म, ये सारे सुंदर साथ के नाम आते हैं। जब सुल्तान चढ़े हराने पर तब भागा सारा देश, ताक उमा से निकलने पड़े जुदे जुदे पड़े दरवेश। जब औरंगजेब बादशाह ने चट्टी कर दी उदयपुर पर तो उदयपुर के जो सुंदर साथ थे और उदयपुर के जो लोग थे वो सारे वहां से अपने घरों को छोड़ के भाग जाते हैं। वहां से भी चल के आए रामपुरा के गांव, पासे पूरा दूध लाई पूरनदास के काम। श्री मामत कहे मोमिनो एक उदयपुर की भी तक, अब कमन शोर की जो भी तक हुक्म हक। कहते वहां से चल के पूरनदास का गांव था रामपुरा, वहां पे आते हैं और फिर इसके बाद उदयपुर की भीतर कभी वर्णन किया, अब वो मंद शोर की जो भीतर हुक्म हक। कल के रोज हम सारे सुंदर स्थान शिवजी साहिब जी के लिए इतने अच्छे टुकड़े बना के लाएंगे, उस भाव से लेके आएंगे कि अगर वो मोमिन हमारे घर पे प्रणा जी के लिए टुकड़े मांगने के लिए आते तो हम शिवजी साहिब जी के लिए कैसे थाल सजा के देते। इतना सोच के कितनी आंख दुख जाती है ना कि कोई हमें आके कह दे कि प्रणा जी ने भोजन मंगवाया है तो ये तो जयपुर के सुंदर साथ मेरी आत्मा कहती है कि पकड़ी टुकड़े टुकड़े हो जाए कि हमारे यहाँ प्रणा जी ने भोजन मंगवाया है। शिवजी साहिब जी ने
क्या क्या बना के ये सुंदर साथ खिलाए, क्योंकि हम लोग घरों में जाते हैं तो इतने बड़े बड़े मेज ये लोग भर देते हैं और साक्षात अक्षरा तीर्थ आ जाए तो सुंदर साहब जी कल के रोज हर घर का टुकड़ा साक्षात लीला होती है, हर घर का टुकड़ा शिवजी साहिब जी उठा के खाएंगे। हम बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, बड़े प्यार से ये टुकड़े बना के लेके आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएंगे। जो भी तक हुकम हक, श्री माम के मोमिनो, ए उदयपुर की बीतक, मंदसौर की जो भी तक हुकम हक, जो भी तक हुकम हक।